इस वक्त हमारी मौजूदगी गया में है। गया में आरजेडी ने एक विशाल पद यात्रा की शुरुआत की है। मांगे हैं इनकी 65% आरक्षण, जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, उसी को लेके पद यात्रा है। विनय कुशवाहा जी हैं, अजय दांगी जी हैं, सीनियर लीडर हैं आरजेडी के गया से। क्या वजह हो गई कि आप लोग को यात्रा करनी पड़ी सर? आज तक एससी एसटी ओबीसी के लिए केंद्र की सरकार जो है ठगने का काम किया है। अभी तक निजी क्षेत्र की नौकरियां में 1% भी आरक्षण नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में 80% नौकरियां है, वहां पर एससी एसटी ओबीसी को कोटिवार 65% आरक्षण को अविलंब लागू करें। दूसरा मांग है संविधान के 9वीं अनुसूची में 65% जनसंख्या को अविलंब शामिल करें, क्योंकि तमिलनाडु में जो 69% है एससी एसटी ओबीसी के लिए जो आरक्षण है उसको लागू किया गया है, और हम लोग केंद्र की सरकार से यही मांग करने के लिए आज पदयात्रा पर हैं। जातीय जनगणना हुई, आरक्षण बढ़ाया गया, हाईकोर्ट ने उसको आपका मांगा कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। देखिए 9वीं अनुसूची में सर 75% हुआ ना, 10% ईडब्ल्यूएस को आप भूल जा रहे हैं, पोस्टर में भी आपने 65% ही लिखा है, क्या वजह है? 10% आरक्षण जो सामान्य कोटि का है, मैं उस आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनको मिला तो उसी तरह से जो जातीय जनगणना हुई बिहार में उसी आधार पर हम लोग को 65% आरक्षण को कानूनी पचड़ा से दूर करने के लिए संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इसीलिए आज हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। और क्या मांगे हैं? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि राजस्थान से भी खबरें उभर के आ रही है कि जो एज रिलैक्सेशन में 5 साल का छूट मिलता था ओबीसी समाज को, उसको भी खत्म कर दिया गया है। देखिए केंद्र की सरकार का यही नियत है, 5 किलो अनाज दे करके लोगों को बेवकूफ बना रही है, और धीरे धीरे करके एक एक राज्य को करके सारा आरक्षण को खत्म करना चाहती है, और फिर से यही चाहती है कि जो जातिगत लोग हैं, जैसे कोयरी है तो खेती करे, यादव जी है तो दूध बेचे, लोहार है तो लोहा कूटे, नाई है तो अपना दाढ़ी बनाए, इस तरह से लोगों को जो है पुश्तैनी धंधा में फंसा करके, और जितने सामंती सोच वाले लोग हैं वो पूरी तरह से प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र की नौकरियां पर अपना हक जमाना चाहते हैं। और जिसे लेटरल इंटरव्यू देखिए आप, लेटरल इंटरव्यू हुआ, लेटरल इंटरव्यू में क्या है, डायरेक्ट जो है सचिव स्तर के अधिकारी बन जाएंगे बिना परीक्षा दे ले। तो ये सब जो है एससी एसटी ओबीसी के लोगों के लिए हकमारी है, और इस समाज को हम लोग जगाना चाहते हैं कि आप लोग जाग जाओ, आपकी जनसंख्या 85% है, जब तक आप नहीं जागोगे इस तरह से करके आपको बंधुआ मजदूर बना देगा, और मजदूरी गरीबी इस देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप है। इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहती है कि गरीबी मिटे, इसीलिए सबको 5 किलो अनाज में फंसा कर रख दिया है। आरक्षण का मुद्दा हो या फिर बहुजन हितों का मुद्दा हो, उस पर एससी समाज तो जागरूक दिखता है, लेकिन ओबीसी से आप चूंकि आते हैं तो ओबीसी समाज को ये भी ज्ञान नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ मार्क्स है वो ओबीसी से कम जा रहा है, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ओबीसी को जगाने के लिए हम लोग प्रदर्शन आज कर रहे हैं कि ओबीसी जाग जाओ, अगर नहीं जागोगे तो कल के डेट में तुम्हारी आने वाली पीढ़ी ठोकर मारेगी, आने वाली पीढ़ी लात मारेगी, इसीलिए पदयात्रा करके लोगों को जगा रहे हैं। और आज अभी हम लोग पदयात्रा का शुरुआत हो गई है, शुभारंभ कर रहे हैं। कहां तक जाना है? आज हम गया से कुर्ता तक चल रहे हैं, हम लोग गया से कुर्ता शुरुआत हो चुकी है। कहां हाँ कुर्था में अमर सिंह जगदेव प्रसाद का जो समाधि स्थल है वहाँ पर हम समापन करेंगे। कुर्था में किलोमीटर की यात्रा है सर? 60 किलोमीटर की यात्रा है। 60 किलोमीटर की यात्रा। आरजेडी के जिला अध्यक्ष सुभाष यादव भी जुड़ चुके हैं। सर क्या मंशा है? उद्देश्य है राज्य को समृद्ध बनाना, देश को समृद्ध बनाना, और देश का जो है जब तक किसी राज्य अथवा देश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से से समृद्ध नहीं हो जाता तब तक उस राज्य और देश के हम विकास का बात नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो हमारा यही मांग है कि इस राज्य में रहने वाले प्रत्येक जाति वर्ग धर्म के लोगों को उनकी आबादी के अनुरूप उसको हिस्सा सभी क्षेत्रों में। इसी तो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट जाकर के देखिए, न्यायालय की जो मंशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर केंद्र सरकार एससी एसटी ओबीसी के लिए अगर उनके हितों की रक्षा के लिए तत्पर थी संसित करके भेजाता गया होता, लेकिन वो नहीं चाहती है, वो दोहरा मापदंड रखती है एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के लोगों के खिलाफ, वो नहीं चाहती है कि इसको जो है लागू किया, इसलिए अदालत का सहारा ले समाप्त किया जा रहा है। अदालत में जाकर फिर वही नतीजा ढाक के 3-5 वाली बात हो जाएगी, वहां से क्या होने वाला है हम लोग को पता, कोई भरोसा नहीं अदालत में, एकदम भरोसा नहीं। पिछले कुछ दिनों में कुछ एक वर्षों में हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी के लोग शत्रु हो रहे हैं, अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, और अदालत जो है अनावश्यक रूप से हमारे अधिकारों का हनन करती है, इसलिए अदालत में हमें कोई संघर्ष करके अपने 65%
आपके साथ आरक्षण को आप छीन के लेंगे। आप देख सकते हैं आरजेडी सड़कों पे उतर चुकी है, पैदल यात्रा है इनका, लगभग 50 किलो पैदल जाएंगे। मांग है कि 65% का जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जब तक शामिल नहीं किया जाएगा इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक आंदोलन लोग करेंगे। पूरी बातचीत पे प्रत्यक्ष जी रवि मेहता द एक्टिविस्ट गया।